Hello friends, good evening to all of you. I am Ravi sir from East Champaran Bihar and you are watching English Upchar right now. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम लोग कवर किए थे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के टाइप को, कितने प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है उसको कवर किए थे. आज हम लोग देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो क्रम होता है, अगर किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो उनका क्रम क्या होगा. यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का क्रम. कहता है यदि किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ आए हो तो उनका क्रम निम्न रूप में होता है, अर्थात निम्नलिखित रूप में होता है. नीचे लिखा हुआ है, कहता है अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया हो और बाद में आया हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग डायरेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, यानी इनडायरेक्ट अपने पहले टू लेता है. ये पहला क्रम. और दूसरा क्रम हो जाएगा कि अगर पहले लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और बाद में लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इसमें हमको कोई प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है. ज्यादा सुपीरियर इसी को ही माना जाता है, लेकिन दोनों सही है. जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको, इसके ऑर्डर को. राधा ने मुझे एक सुंदर कलम दी. कहने कल मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या, किसे, किससे, किसको शब्द का प्रयोग करते हैं. डायरेक्ट को ढूंढने के लिए क्या और इनडायरेक्ट को ढूंढने के लिए किसे, किससे, किसको. यहां देखते हैं राधा ने मुझे एक सुंदर कलम दी, तो राधा ने मुझे क्या दी, एक सुंदर कलम. तो एक सुंदर कलम यही हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसे दी राधा ने सुंदर कलम, किसे दी, तो मुझे, तो यह हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हम लोग पढ़े हैं कि अगर पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट और बाद में लिखेंगे डायरेक्ट, तो इसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा. यहां पे देखिए लिखा हुआ है राधा का राधा हो गया, दी सिंपल पास्ट का है तो डी टू हो गया, देना का गिव से गेव हो गया. राधा गिव गेव मी अ ब्यूटीफुल पेन. देखिए यहां पे मी इनडायरेक्ट पहले आया और बाद में यहां पे डायरेक्ट आया, आया ना, तो यही क्रम हो गया. और नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी का दूसरा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि राधा गेव अ ब्यूटीफुल पेन टू मी, बाद में इनडायरेक्ट यहां पे लिखे मी, तो इनडायरेक्ट अपने पहले टू प्रीपोजिशन लिया यहां पे, और यह हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट. अब द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस का जो लास्ट होता है वह होता है सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट. यहां पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एस बी ओ सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, तो शॉर्टकट में जान लीजिए कि वाक में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो शब्द बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. यहां पे डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है The word which is not affected by a verb is called complement. अर्थात जो शब्द क्रिया से, वर्ब से अफेक्ट नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. आशा करता हूं ये वीडियो आपको ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितना अपलोड वीडियो हो आप तक पहुंचे पहली बार. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार.